सिंगल यूज पॉलीथीन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के बाद नगर निगम ने अब 200 ml वाली पानी की बोतल को लेकर सख्ती की है। दरअसल सोशल मीडिया पर बीते दिनों से 200 ml पानी की बोतल बैन होने के मैसेज चल रहे हैं, जिसको लेकर लखनऊ कैटर्स एसोसिएशन ने नाराजगी जताई। लखनऊ नगर निगम द्वारा 200 ml पानी की बोतल बंद करने के विरोध में लखनऊ के अवध कैटर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं, अजय टिक्का जी। अजय जी, जिस प्रकार से राजधानी लखनऊ में 200 ml की बोतल पर बैन लगाया गया है और सहालक का सीज़न आ चुका है, क्या कहना चाहेंगे? हमारी सरकार ऐसे फैसले अक्सर लिया करती है जब कोई कार्यक्रम कोई सहालक का होता, कोई ना कोई समस्या आती है। और हमारे एसोसिएशन में 800-900 कैटर्स उत्तर प्रदेश में हैं और उनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। ये समस्या है कि हमारे एसोसिएशन के रोज़ फ़ोन आ रहे हैं कि इसका भैया क्या हुआ, लेकिन अभी स्थिति कोई साफ़ नहीं है। अगर 200 ml की बोतल 250 ml की बोतल नहीं चलेगी तो इतनी समस्या आ जाएगी, तो लोग 1 लीटर की बोतल से गिलास में पानी जो है पिलाना शुरू कर देंगे तो भी उसमें कूड़ा और डस्ट होगा। हालांकि नगर आयुक्त ने यह साफ कर दिया है कि 200 ml वाली बोतल को बैन नहीं किया गया है, बल्कि गेस्ट हाउस, बैंक्वेट हॉल, शादी घरों को इसके कम से कम इस्तेमाल करने की अपील की जा रही है। फिलहाल दैनिक भास्कर ने लखनऊ नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह से बात की, जिसमें ये साफ हो गया कि 200 ml पानी की बोतल बैन होने की खबर महज अफवाह है। राजधानी लखनऊ में शादी समारोह व अन्य कार्यक्रम में इस्तेमाल किए जाने वाली 200 ml की बोतल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसको लेकर लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह जी ने सभी बैंक्वेट हॉल व मैरिज हॉल को नोटिस जारी किया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इंद्रजीत सिंह जी मौजूद हैं, लखनऊ के नगर आयुक्त हैं। सर, ये जो आपने बैन करने का एक आदेश जारी किया है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कोई भी चीज़ को बैन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि बैन नहीं किया गया। पहले तो मैं पूरा क्लैरिफाई कर दूं, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक कॉन्सेप्ट है 3R की, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। तो रिड्यूस करने के लिए मेरे द्वारा एक अपील जारी की गई है, जितने फंक्शंस हो रहे हैं लोगों को की गई है कि उसमें प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें। तो मेरे द्वारा कोई बैन नहीं किया गया, तो मैं क्लैरिफाई कर दूँ, तो कोई इसमें नाराज ना हो। एक अपील है जो हमें करनी चाहिए, एज ए नगर आयुक्त मैंने की है। सर, इस फैसले के बाद में देखा गया है कि जो वाटर प्रोडक्शन जो कंपनीज हैं उनके जो है प्रोडक्शन पे काफ़ी ज़्यादा जो फ़र्क पड़ा है, और जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा डर गए हैं, मैरिज हॉल वाले घबरा गए हैं, और कहीं ना कहीं जो उनके पास डंप माल था, जो शादी विवाह के कार्यक्रम के पहले से वो बनाने लगते थे, वो कहीं ना कहीं रुक गया है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो 2 दिन हुए मैंने एक अपील जारी किया, तो इट इज़ नथिंग कि मैंने कोई बैन किया है, तो इस पर कोई कमेंट करना 2 दिन में क्या रिजल्ट आया कोई सही भी नहीं है, तो सिर्फ जस्ट अपील। इट्स नॉट लीगल बाइंडिंग। सोशल मीडिया पे एक मैसेज चल रहा है कि यदि किसी भी मैरिज हॉल वाले ने अगर 200 ml की या 250 ml की बोतल को जो है अपने मैरिज हॉल में चलाया तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना है और 2 साल की जेल की सजा भी है। ये एक मैसेज चल रहा है, ये अफवाह है क्या? गलत है, गलत अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं, नथिंग। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो मैसेज चल रहा है, ये जो अफवाह फैलाई जा रही है, इसका कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से निवारण नहीं किया जा सकता है, और ये एक अफवाह के रूप में ही लोग अपने पास में लें। नगर आयुक्त का कहना है, जहां पर लोग पानी की बोतल का उपयोग करते हैं वो निस्तारण के लिए उसे नगर निगम को दे या रिसाइकल करने वाली एजेंसी को दिया जाए। उनका कहना है कि इसे नोटिस के बजाय अपील कहें तो ठीक होगा। शादी समारोह में इस्तेमाल की जाने वाली 200 ml की बोतल पर रोक लगाने वाली खबर महज एक अफवाह है, जिसको साफ कर दिया है लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने। इनका साफ कहना है कि महज ये एक जागरूकता थी, ना कि इस पर रोक लगाई गई है। कैमरा पर्सन अनमोल के साथ मैं आकाश कश्यप, दैनिक भास्कर, लखनऊ।